बढ़ाने के खिलाफ निजी होटल के मालिक द्वारा मोर्चा खोलते हुए बैंक के सामने ही भूख हड़ताल के रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इस धरने का तीसरा दिन है और व्यापारी की हालत नाजुक बनी हुई है। भूख हड़ताल पर बैठने वाले साथियों ने बताया कि अनीश कुमार की हालत नाजुक बनती जा रही है, लेकिन बैंक वालों पर इस भूख हड़ताल का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने लोन लिया सी बैंक ऑफ इंडिया तो 6,80,00,000 रुपए का, तो वो जो 4,20,00,000 रुपए भर चुके ने अपने, चार इन्होंने प्लाट बेचते ने। गलाडा ने इन्हों होटल के मूहरों 20 फुट रास्ता पटता, वो करके इन्हों का काम रुक गया। किस्त रोकी, पैसे देना चाहते सी, असी यही कहा भी जो मन के वाजब पैसे ने बकाया वो ले लो, भी वो देने लिए तैयार आ, तो भी इन्ने पैसे भर नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो मंदा हाल हो गया, होटल खड़ चुका जी बुरी तरह। ये भुख हड़ताल से बैठे ने अनीश कुमार जी ने, अज 3 दिन हो गए जी इन्होंने कुछ नहीं खाता जी। अगर इन्हों कुछ हो गया तो यह बैंक जिम्मेवार होगा। बैंक वाले ने सानू बुलाया, असं पहले दिन आए थे इसे, तो वह कहते भी साढ़े नाल बैठो, तो उन्होंने क्या कहते 4,90,00,000 तुम भर दो। असी क्या भी ये तो भरन के योग नहीं, ज पैसे ही नहीं कोले, होटल चलूगा। उस तो बाद जो बकाया रकम जिन्ना 2,02,60,00,000 रुपया वो असी किस्त देने लिए तैयार हाँ, सानू अजे मौका दो चलाने वास्ते। Thank you.